हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो है वो है कि अंडर 10,000 के भीतर बेस्ट स्मार्टफोन नॉन चाइनीज़ मोबाइल में से कौन सा है। भाई देखो, चाइनीज़ मोबाइल ख़रीदने से क्या होता है ये तो सबको मालूम ही है कि वो तो ठीक है, वो हर एक जन का पर्सनल चॉइस है। मैं एक चाइनीज़ ब्रांड का भी वीडियो दूंगा इसके बाद ही दे दूंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो वो चाइनीज़ फ़ोन उसका ही होगा कि 10,000 के भीतर सबसे बेस्ट कौन सा होता है। भाई ये तो सच बात है कि हाँ, चाइना ने पूरा एकदम मार्केट कैप्चर कर लिया है पूरा मोबाइल का। जो पार्ट्स भी लगता है, मोबाइल कंपोनेंट्स भी लगता है, वो चाइना से ही आता है। तो ये बात अलग है, वो किसी अलग वीडियो में बात होगा। तो आज का वीडियो है गाइस कि 10,000 के भीतर बेस्ट मोबाइल्स। नया नया पेरेंट्स को अगर मोबाइल देना चाहते हो या फिर नया नया आए हो मार्केट में मोबाइल्स ख़रीदने के लिए, तो मार्केट में जाओगे तो हर एक कोई चूना ही लगेगा। तो चूना लगाने से बचने के लिए यही है कि तो चलिए उस फ़ोन सारे देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, पहला फ़ोन है ये सैमसंग का M11। ये गाइस 4GB रैम और 64 स्टोरेज के साथ आता है और ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। ये तस्वीर भी मैंने अमेज़ॉन से ही स्क्रीनशॉट लेके रखा है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ ये कहाँ पे है। अगर आप लोग ये मोबाइल लेना चाहते हो तो आप लोग जाके सैमसंग M11 अमेज़ॉन से ख़रीदारी कर सकते हो और मैं रिलेवेंट लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका स्पेसिफिकेशन एक बार देख लो गाइस। इसका जो है 4G है, 6.4 इंचेस का है ये स्क्रीन साइज़ है। कलर ये ब्लैक वाला है और एक कलर भी शायद आता है ब्लू में, आप लोग चेक कर लेना। ब्रांड सैमसंग का है, HD डिस्प्ले है, एक्जिनोस का कुछ चिप है इसके अंदर जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आप लोग जाओ, अगर इस 10,000 के भीतर तीन कैमरा मिल जाता है 13-5-2 करके, 10,000 के भीतर काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इंडिया में ही इसको बनाया गया है। मैन्युफैक्चर डिटेल्स में आप लोग भी देख सकते हो, वहाँ पे जाके यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अगर 10,000 के भीतर आप लेना चाहते हो तो अमेज़ॉन में जाके ये आप लोग ख़रीदारी कर सकते हो। नेक्स्ट फ़ोन है गाइस Moto G10, जो कि मोटोरोला के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पहले तो मोटोरोला लेनोवो के साथ था, तब चाइनीज़ था, अभी नहीं है। तो गाइज थोड़ा बोल देता हूँ कि मोटोरोला गूगल के साथ टाई अप छोड़ने के बाद लेनोवो ने उसको एक्वायर किया था और एक्वायर होने के बाद वो लेनोवो के साथ ही था। पर फिलहाल मोटोरोला की ओर से और लेनोवो की ओर से कोई भी ब्रांडिंग, कोई भी न्यूज़ नहीं है। मैंने इंटरनेट पर भी बहुत ढूंढा कि हाँ कुछ तो मिले कि हाँ मोटोरोला किसके साथ है, पर वहाँ पे शो हो रहा है कि मोटोरोला अभी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो इसका मुझे भी और रिसर्च करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे मोटोरोला के हैंडसेट में भी देखा है जो कि पहले आता था। जब भी आप मोटोरोला का कोई भी फ़ोन ख़रीदारी करते थे तो तब आपको वहाँ पर मिलता था मोटोरोला के लोगो, उसके बाद ही मिल जाता था आपको लेनोवो का ब्रांडिंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बॉक्स के अंदर भी एक छोटा करके लेनोवो का ब्रांडिंग होता था, वो भी अभी मोटोरोला के बॉक्स में नहीं है। तो क्यों नहीं है तो उन लोगों को मालूम है, पर मेरे हिसाब से अभी मोटोरोला के और लेनोवो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए मैंने इसको नॉन चाइनीज़ के अंदर ही रखा है। तो Moto G10 आप लोग ख़रीदारी कर सकते हो। Android 11 मिल जाएगा, एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन है ये। सैमसंग M11 से बहुत बेहतरी होगा एकदम। ये 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 48 MP का तीनों कैमरा है, एक में 48 है और शायद एक में 48 + 5 या 2 होगा, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। ये फ्लिपकार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, ऊपर में देख सकते हो, मैंने फ्लिपकार्ट से आप लोगों के लिए वहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ। क्योंकि गाइज मेरे पास कोई बॉक्स नहीं आता है, मेरा सब्सक्राइबर्स इतना हाई नहीं है कि हाँ मेरे पास बॉक्स आएगा और मैं रिव्यू करके दे दूंगा उसको। उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सब लोगों को मिलता है, कभी भी अगर मन होगा तो। तो ये लोग अब देख सकते हैं नियर स्टॉक Android 11, मतलब Android 11 इसके अंदर है। थोड़ा बहुत ब्लॉटर आप लोगों को मिल जाएगा, जो मोटोरोला का होता है मोटो फीडबैक ऐसा करके वो जो होता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका स्पेक्स गाइज ये है, देख लो, 6000 mAh का बैटरी है। सिक्योरिटी के मामले में ध्यान दिया है, थिंक शील्ड एडवांस सिक्योरिटी कुछ जैसे सैमसंग का होता है प्रोटेक्शन वाला। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है इसका। IP52 रेटेड है, मतलब स्प्लैश प्रूफ है। अगर बारिश हो रहा है तो आप बारिश में भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। 48 MP का क्वाड कैमरा है, 48 × 5 × 2 करके मिल जाएगा। नियर स्टॉक का आपने बोल दिया। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 460 मिल रहा है इसमें,
जो कि इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक ही है। और 2x2 मीमो, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2x2 मीमो फॉर 4G वोल्टी, मतलब आपको जो 4G वोल्टी का स्पीड है वो बेहतर मिलेगा। मान लो इसमें एक एंटेना है जो कि 2x2 एंटेना है जो कि स्पीड देने के लिए काम आता है। तो ये फ़ोन भी आप खरीदारी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में है, 11 लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट है गाइस, एकदम नया फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा सैमसंग का F12। इसका कलर मुझे पसंद आया, पर इसका जो बैक पैनल है या जो थोड़ा कर्वी कर्वी बीच में से जो लाइंस है मुझे पसंद नहीं आता है। मैंने ऐसा फ़ोन हाथ में जब पकड़ता हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता। प्लास्टिक का केस है, प्लास्टिक का बॉडी है, चारों कैमरा दिया हुआ है, पर ये 13 करके या फिर 48 का ही है। मैं आपको स्पेक्स आपके साथ ही एक बार देख लेता हूँ। तो इसका तीनों कलर है, ग्रीन है, ब्लू है और क्रिस्टल वाइट शायद है। दोनों स्टोरेज है, बढ़िया है कि आप 64GB ना ले सकते हो, तो अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा लगता है तो 128GB का भी आप ले सकते हो। एक्जिनोस का 850 प्रोसेसर है, और हाँ इसमें कैमरा है 48MP, 5MP, 2MP, 2MP, और सैमसंग दावा करता है कि ये ट्रू 48MP, ये ट्रू और ये फॉल्स 48MP का भी अलग से वीडियो का भी अगर मन होगा, अगर आप लोग बोलोगे तो बना दूंगा। तो इसमें ट्रू 48MP मिल जाता है और 5MP 2-2 करके और बाकी तीनों कैमरा है, जो कि एक है मैक्रो के लिए, एक है डेप्थ सेंसिंग के लिए और एक है वाइड एंगल के लिए। तो और 8MP का फ्रंट मिल जाता है जो कि शायद 16 दे सकता था, 16 होगा तो बेहतर होता, पर सैमसंग का मर्जी है भाई। एक्जिनोस का 850 दिया है, ये लगभग स्नैपड्रैगन का 460 का जैसा ही चलता है, खराब नहीं है। और नेक्स्ट फ़ोन है गाइस, इसको आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदारी कर सकते हो। और नेक्स्ट फ़ोन है, सॉरी, इसका प्राइस भी 10,000 के अंदर है, पर आप लोग जब जाओगे तो देखोगे कि इसका प्राइस 11,000 के ऊपर आएगा। F12 के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं दूसरे फ़ोन को दिखाने से पहले इसको स्किप कर गया था। तो आप जाके इसको देख सकते हो, कोशिश करना कि ICICI बैंक की डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करें तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। और देख सकते हो मैंने जो बोला 248MP सैमसंग इसका ब्रांडिंग कर रहा है। तो नेक्स्ट फ़ोन को चलते हैं, फ्लिपकार्ट से अगर चाहो तो इसको ख़रीदारी कर लेना। और गाइस नेक्स्ट जो फ़ोन है वो है नोकिया का 2.3। इसमें आप लोगों को मिल जाएगा 2GB रैम, 32GB रोम, और नोकिया का जो सबसे बढ़िया होता है कि वन एंड्रॉयड देता है ये लोग, गूगल एंड्रॉयड वन। अब एकदम वीडियो के लास्ट में आ गया हूँ गाइस, अगर आप लोग मेरा ओपिनियन मानना चाहो तो मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों को ब्रांड से हिसाब से जाना है तो आप लोग सैमसंग का EIF12 ले सकते हो, जो कि इस बजट के अंदर एक्जिनोस के साथ एकदम ठीक ठाक फ़ोन है। फर्स्ट मेरे हिसाब से ये, सेकंड में है ये G10, मोटो G10 का, जो कि रेन प्रूफ भी है। थर्ड में है मेरे हिसाब से LG का W41 प्लस। फोर्थ में है मोटो E7, और फिफ्थ में है ये नोकिया का 2.3। मैंने मेरा ओपिनियन बोल दिया, आपकी मर्जी से जो चाहो आप लोग खरीदारी कर सकते हो, रिलेवेंट लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियो को अगर इन तक देख ही लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।